नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी टॉक्स में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम कैसे बनाएं। दोस्तों, अक्सर लोग स्कूल से जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं या फिर किसी भी नई जगह जाते हैं, तो उनके मन में एक ख्याल जरूर आता है कि नई जगह में अपना इम्प्रेशन कैसे जमाएं, ताकि आसपास के लोग उनसे प्रभावित हो और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। दोस्तों, आपके मन में भी जिंदगी में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया होगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया को देखकर हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी स्मार्ट और हैंडसम दिखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अपना बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जब भी आप स्मार्ट और हैंडसम वर्ड सुनते हैं, आपके दिमाग में किसकी छवि आती है? फिल्म स्टार्स की, क्रिकेटर्स की, फेमस बॉडी बिल्डर की, या फिर आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों की? इसमें आपको अपनी खुद की छवि क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि आप जिनको स्मार्ट और हैंडसम मानते हो, वो कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल आप खुद नहीं करते हैं। आज हम आपको वही तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप स्मार्ट और हैंडसम दिखने लगेंगे, और कुछ बातों को भी बताएंगे जो स्मार्ट और हैंडसम लोग अवॉइड करते हैं। सबसे पहला तरीका है, अपने आप पे भरोसा रखो और कॉन्फिडेंट रहो। दोस्तों, आपने फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटी को देखा होगा, जब भी वो मीडिया के लोगों से बात करते हैं या फिर पब्लिक में स्पीच देते हैं, वो कितना कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, लेकिन जब आपको पब्लिक में बोलना होता है तो आप घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, आपकी सोच लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि आपको खुद पर और अपनी सोच पर भरोसा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। दोस्तों, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक चीज समझ लीजिए कि भगवान ने आपको एकदम यूनिक बनाया है, और इस पूरी दुनिया में आप जो कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो खामखा घबराने में टाइम वेस्ट ना कीजिए, अपना कीमती समय अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में लगाइए। जब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो आप अपने आप को ये याद दिलाइए कि आप यूनिक हैं और आप जो कर रहे हैं वो सही है, इतना नर्वस होने की कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका है दोस्तों, जो कुछ भी आप बोलें आराम से सोच समझ कर बोलें। दोस्तों, हर एक शब्द जो हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई एक मतलब जरूर होता है, उसकी अपने आप में एक अलग वैल्यू होती है। अपने शब्दों को यूं ही जाया करना अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी सेलिब्रिटी या सक्सेसफुल व्यक्ति का इंटरव्यू जरूर सुनिए और उनके बात करने के तरीके पे ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो कुछ भी बोलते हैं आराम से सोच समझ कर बोलते हैं, ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए कि वो बोलना क्या चाहते हैं। जो लोग फटाफट बोलते हैं, उनकी आधी से ज्यादा बात सामने वाले को समझ में नहीं आती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, सामने वाले पर नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। इसलिए अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो सोच समझ कर और आराम से बोलिए, ताकि सामने वाले को आपके बोलने का मतलब समझ में आए और आपके शब्दों की वैल्यू हो। तीसरा तरीका है, दिमाग को शांत रखें और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत से गम हैं, लेकिन इन सभी गमों की कीमत आपकी स्माइल से कम है। तो जब भी आप किसी से मिले तो अपने चेहरे पे स्माइल रखें, इससे सामने वाले पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। जो लोग उदास, दुखी और हमेशा रोते रहते हैं, उनका एक नेगेटिव ऑरा होता है, जिससे सामने वाले में नेगेटिविटी पास होती है और फिर उसका मूड भी खराब हो जाता है। और अगर आप भी हमेशा उदास रहेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। तो स्मार्ट बनने के लिए चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें, इससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और लोगों पर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। अक्सर लड़कियों को स्माइल करने वाले और खुश रहने वाले लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। तो दोस्तों, इन तरीकों से आप मेंटली स्मार्ट बन जाओगे, पर इसके साथ साथ आपको फिजिकली भी स्मार्ट बनना पड़ेगा।
फिजिकली स्मार्ट बनने का सबसे पहला तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज करना। दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करना एक बहुत ही अच्छी आदत है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको अच्छा अच्छा फील होता है। स्मार्ट और हैंडसम लोग अपने आप को मेंटेन रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज करने से आपका शरीर मजबूत और अट्रैक्टिव बनता है। आप जहाँ कहीं पर भी जाएंगे लोगों की नजर आपसे हटेगी नहीं। आप जो कुछ भी पहनोगे वो आप पर अच्छा लगेगा। अक्सर लड़कियों को फिजिकली फिट और हैंडसम लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। दूसरा तरीका है साफ सुथरे और स्टाइलिश कपड़े पहने। दोस्तों इस दिखावे की दुनिया में अपनी छाप लोगों पे छोड़ने के लिए आपको स्टाइलिश और करंट ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप स्मार्ट और हैंडसम बनना चाहते हैं, तो आप गंदे और कलर उड़े हुए कपड़े कभी ना पहने, क्योंकि आज की इस दुनिया में आप अपने कपड़ों के हिसाब से ही पहचाने जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा स्मार्ट लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो स्टाइलिश भी होते हैं और अभी के ट्रेंड के हिसाब से भी होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि करंट ट्रेंड में कौन से कपड़े चल रहे हैं, तो आप अपनी उम्र के किसी भी फिल्म स्टार को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करके और स्टाइलिश कपड़े पहन के आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका है अपनी आप की प्रॉपर ग्रूमिंग कीजिए। प्रॉपर ग्रूमिंग करने का मतलब अपने बालों को फेस के हिसाब से कटवा के रखिए, दाढ़ी को प्रॉपर शेव या ट्रिमिंग करवा के रखिए, साफ सुथरे जूते पहनिए, अगर आपके दांत पीले हैं तो उनका पीलापन दूर कीजिए, हमेशा डियो या परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों स्मार्ट और हैंडसम लोग अपने आप को प्रॉपर ग्रूम करके रखते हैं, ताकि सामने वाले को मिलकर उनसे अच्छा लगे। आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बालों में बहुत सारा तेल डाला हुआ है, जूते गंदे या फटे हुए हैं और उसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही है, तो आप उस इंसान के साथ कितनी देर रुक पाएंगे? आप उसके साथ 10 मिनट भी नहीं रुक पाओगे। तो दोस्तों स्मार्ट और हैंडसम बनने के लिए अपने आप को प्रॉपर ग्रूम करके रखिए। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं वो कौन सी चीज है जो स्मार्ट और हैंडसम लोग करना अवॉइड करते हैं। सबसे पहली चीज है लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों को नीचा दिखाना। दूसरी चीज है अननेसेसरी शो ऑफ करके दूसरों को नीचा दिखाना। तीसरी चीज है फोन पर जोर से बात करना ताकि लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाए। चौथी चीज है घर पर या ऑफिस में सनग्लासेस पहनकर बैठना। पांचवी चीज है अपनी बढ़ाई करना या फिर चपर 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 बोलते जाना। दोस्तों इन सब चीजों को स्मार्ट और हैंडसम लोग अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आज ही इन्हें बंद कर दीजिए। हमने स्मार्ट और हैंडसम बनने के लिए जो मेंटल और फिजिकल तरीके बताए हैं, उनको अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, तो आप भी स्मार्ट और हैंडसम बन पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कम से कम 1000 लाइक तो इस वीडियो पे आने ही चाहिए। कमेंट्स करके अपने सवाल पूछिए, अपने कुछ सजेशन दीजिए, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अपना बनाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।